आज की वीडियो में हम फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कंपैरिजन करेंगे और ये देखेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के दरमियान क्या फंडामेंटल डिफरेंस है जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना ये हमेशा एक जो वेल डिफाइंड कम्युनिकेशन चैनल है ना ये उसको फॉलो करती है ये चेन ऑफ कमांड को फॉलो करती है उसको बिल्कुल वायलेट नहीं किया जाता है चाहे इन्फॉर्मेशन जो है वो टॉप टू बॉटम कन्वे हो या बॉटम टू टॉप हमेशा एक वेल डिफाइंड कम्युनिकेशन चैनल होता है और उसी को फॉलो किया जाता है जबकि जो इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना इसका कोई चैनल डिफाइन ही नहीं होता इसमें जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो इन्फॉमे शेयर की जाती है और इसी में किसी भी किस्म की कोई चेन ऑफ कमांड होती नहीं है और ना ही उसको फॉलो किया जाता है अब देखते हैं इन दोनों का कंपेरिज़न क्या है सबसे पहला जो फंडामेंटल डिफरेंस है ना फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के दरमियान वही है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना वो एक वेल डिफाइंड कम्युनिकेशन चैनल को इस्टेब्लिश करते हैं कि एक चैनल बना दिया जाता है उसी के थ्रू ही इंफॉर्मेशन जो है उसका फ्लो होता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टॉप टू बॉटम इंफॉमेसन कन्वे हो रही है ना तो टॉप मैनेजमेंट से मिडल मैनेजमेंट मिडल से फर्स्ट लाइन मैनेजर्स फर्स्ट लाइन मैनेजर से सुपरवाइजर्स या टीम लीडर और फिर टीम मेंबर से टीम लीडर से या सुपरवाइजर से फिर टीम मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन आती है और इसी तरह अगर बॉटम टू टॉप जाना हो तो पहले जो है वो टीम मेंबर्स जो हैं वो टीम लीडर या सुपरवाइज़र को इन्फॉर्मेशन देते हैं उससे फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स उससे फिर मिडल मैनेजर्स और उससे फिर टॉप मैनेजमेंट को जाती है तो ये पहले से वेल डिफाइंड जो है वो कम्युनिकेशन चैनल होता है ये ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रक्चर के अंदर कम्युनिकेशन चैनल को डिफ़ाइन कर देती है जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना इसके अंदर किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन चैनल जो है ना वो डिफ़ाइन नहीं होता कि इंफॉर्मेशन कैसे फ़्लो होगी उसका कोई चैनल क्लियरली डिफ़ाइन नहीं होता जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना उसके अंदर हमेशा स्ट्रिक्टली कम्युनिकेशन चैनल को फॉलो किया जाता है उसको वायलेट नहीं किया जाता ना इसको टॉप मैनेजमेंट वायलेट करती है ना ही इसको स्टाफ मेंबर्स या टीम मेंबर्स वायलेट करते हैं बल्कि टॉप मैनेजमेंट भी इसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करके इन्फॉर्मेशन को कन्वे करती है और टीम मेंबर्स भी इसी चैनल को फॉलो करके ही अपनी इन्फॉर्मेशन को टीम टॉप मैनेजमेंट को कन्वे करते हैं तो दोनों तरफ से जो है एक जो चैनल इस्टेब्लिश होता है उसी को ही फॉलो किया जाता है स्ट्रिक्टली। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल जो कम्युनिकेशन स्टाइल है उसके अंदर कोई जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको फॉलो नहीं किया जाता बल्कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है अगर किसी का किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है ना तो वो उसको इन्फॉमेसन कन्वे करता है और वो फिर इन्फॉमेशन आगे जाती है और इसी तरह ही इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्कुलेट होती रहती है कोई कम्युनिकेशन चैनल पर ना तो सेट किया जाता है ना ही फिर उसको फॉलो किया जाता है जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना ये हमेशा रिटर्न फॉर्म में होती है कि अगर टॉप मैनेजमेंट ने कोई पॉलिसीज बनाई हैं कोई स्ट्रेटजी uh, बनाई है तो उसको वो रिटर्न फॉर्म में ही कन्वे करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और इसी तरह जो आ, टीम मेंबर्स होते हैं ये स्टाफ मेंबर्स होते हैं अगर उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है ना मैनेजमेंट को तो वो भी रिटर्न फॉर्म में होती है मतलब मैनेजमेंट से इम्प्लॉज़ या इम्प्लॉज़ से मैनेजमेंट के दरमियान जो भी इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है ना वो थ्रू रिटर्न होती है रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना ये आमतौर पर औरल होती है सुनी सुनाई बातें होती हैं किसी ने किसी से कोई बात सुनी उसने आगे कन्वे की उसने आगे कन्वे की और इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन है ना वो औरली या वर्बली कन्वे होती है ये रिटर्न फॉर्म में नहीं होती इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसके अलावा जो इनफॉर्मल जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना ये चेन ऑफ कमांड को वायलेट नहीं करती मतलब जो मैनेजमेंट हायर में जो बंदा जिस पोजीशन पे है ना वो स्ट्रिक्टली चेन ऑफ कमांड को फॉलो करता है अगर उसने इन्फॉमेशन ऊपर कन्वे करनी है या नीचे कन्वे करनी है तो एक चेन ऑफ़ कमांड का सिस्टम होता है उसी को ही फॉलो किया जाता है जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना इसके अंदर कोई हायर या स्ट्रक्चर तो होता ही नहीं है इसीलिए इसके अंदर किसी किस्म की कोई चेन ऑफ़ कमांड जो है वो ना तो मौजूद होती है ना ही उसको फॉलो किया जाता है बल्कि इसके अंदर जो इन्फॉमेसन है ना वो पर्सन टू पर्सन शेयर करते हैं लोग एक दूसरे को इनफॉमेसन जिनके साथ उनकी गपशप होती है जिनके साथ उनका किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप होता है ना उसके साथ वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल के अंदर ना दो तरह जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना वो टॉप टू बॉटम हो सकता है या बॉटम टू टॉप होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो आ, इम्प्लॉज के साथ कम्युनिकेशन जो करती है इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम और जो इम्प्लॉइज टॉप मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं इसको कहते हैं बॉटम टू टॉप तो ये एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसकी एक डायरेक्शन है कि डाउनवर्ड या अपवर्ड जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ना इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये चूंकि लोग ही एक दूसरे के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो जब भी जिस भी किसी के साथ मिलते हैं जिस जगह मिलते हैं किसी ग्रुप्स में किसी आ, सोशल गैदरिंग में टी e ब्रेक्स में लंच ब्रेक्स में जब भी उनका किसी के साथ इंटरेक्शन होता है ना तो तब वो इंफॉमेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं ना उसके अंदर जो इन्फॉमेशन शेयर की जाती है ना वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती हैं स्ट्रेटजीज होती हैं मेमोरेंडम होते हैं इंस्ट्रक्शनज़ होती हैं फीडबैक होती हैं सुजेशनस होती हैं आइडियाज़ होती हैं ग्रेवियंस होते हैं कंसर्नस होते हैं रिपोर्ट्स होती हैं तो ये जो है ना इस तरह की इन्फॉमेशन जो है वो शेयर होती है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जबकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना इसके अंदर गॉसिप्स होती हैं गपशप होती है ग्रेप वाइन होती है अफवाहें होती हैं लोगों की अपने राय होती है वो कि उसने उन्होंने किसी से कोई बात सुनी वो दूसरे को कन्वे कर दी प्लस उसमें उन्होंने कोई अपना कंटेंट शामिल कर दिया तो ये ग्रेप वाइन बन गई कि बात औरिजिनली कुछ और थी वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट होगी तो इसमें गॉसिप्स ग्रेप वाइन गप शप होती हैं जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ना पॉलिसी स्ट्रेटजीज, मेमोरेंडम इंस्ट्रक्शन एस फीडबैक सजेशंस ये सारी चीज़ें होती तो ये फंडामेंटल डिफरेंस थी फॉर्मल like और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के दरमान प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक माई वीडियो एंड कमेंट थैंक यू वेरी मच